एक ऐसा व्यायाम है जिसमें आपकी पूरी बॉडी वर्ल्ड म्यूजिक डे भी जी। तो अन्न भी जो श्री अन्न है वो तो बहुत ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और म्यूजिक भी मानसिक शक्ति के लिए बहुत अच्छा है। तो आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, योगा डे भी है, श्री अन्न डे भी है और वर्ल्ड म्यूजिक डे भी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को पूरी दुनिया वैश्विक पर्व की तरह मना रही है, उत्सव की तरह मना रही है। नहीं, लोगों को फायदा हुआ ना, पहले इस्लामिक राष्ट्रों ने इसको ठीक तरीके से पहचाना नहीं था, पर अब सारे इस्लामिक राष्ट्र कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी मोदी जी की सफलता है कि हमारे यहाँ की विधा को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जगत में ख्याति दी और लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। और महिला सशक्तिकरण का मैसेज इस बार योग दिवस में दिया जा रहा है, हर बार कुछ भारत मैसेज देते हैं, हमेशा देते हैं। चलिए, कैलाश जोगर्जी है, तस्वीर में दिखा रहे हैं हम आपको, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर शारदा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचे हैं और यहीं पर वो आज योग करेंगे। और योग का कितना महत्व है मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया, एक तस्वीर भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि एक तरफ थे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, इंदौर कलेक्टर है आशीष सिंह और पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता, तो अधिकारी भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हैं ये योग दिवस पर योग करने के लिए। उनसे हमने कुछ देर पहले ही बातचीत की थी और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे आज मुख्य अतिथि के तौर पर कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कितना महत्व है उसको लेकर उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत की। योग दिवस ये दसवां और आज विश्व संगीत दिवस और उसको हम 2 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। उसके बाद हम लेफ्ट साइड से होल्ड करके राइट साइड के से हम रिलीज करेंगे सांस को। ये सेम प्रोसेस चलेगा, फिर हम राइट साइड से होल्ड करेंगे और लेफ्ट साइड से फिर सांस लेंगे। और राइट साइड से हम सांस छोड़ेंगे। इस तरीके से हम 5 सेट कम से कम हम करेंगे जी। ये हमारी मानसिक स्थिति को भी अच्छा करता है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि लोग खाना खाने के बाद पेट भर कर भी सोचते कि योगा कर ले, तो ऐसे में उन चीज का कैसे ध्यान रखा जाए? तो डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं इस वक्त अंशिका के पास, फिर लौटेंगे, लेकिन इससे पहले तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दे कि इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं इस कार्यक्रम में। ये दरअसल राज्य स्तरीय एक प्रमुख कार्यक्रम है, हालांकि ये जो कार्यक्रम है इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को योग के प्रति न सिर्फ जागरूक करना बल्कि योग को आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बना लेना प्रयास रहेगा। और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो कि एक योगी हैं, योग करते हैं, उनके दिन की शुरुआत भी योग आसन से होती है। और ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां न सिर्फ हमारे सहयोगी बल्कि और भी जो केंद्र बनाए गए हैं जहां पर छात्र छात्राओं से लेकर वयस्क और वृद्ध तक सब योग करने के लिए पहुंचे। बात करेंगे हमारे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता और युगल तिवारी, दोनों ही हमारे साथ मौजूद हैं। मिथिलेश के पास चलते हैं। मिथिलेश, अब से कुछ ही देर पहले कैलाश विजयवर्गीय वहां पहुंचे थे, अभी किस किस तरह के सेशंस होने हैं, क्या कुछ अभी जो औपचारिकताएं कार्यक्रम में रखी गई हैं, कितनी देर का ये सेशन होगा और क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही हैं आज के उस कार्यक्रम को लेकर? अनुरोध करूंगी आदरणीय महोदय से कि कृपया हम सब की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से आदरणीय सब आप भी कृपया मत छोड़ अपने स्थान। लगता है आवाज अभी नहीं पहुंच पा रही है और अलग अलग तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, साथ ही साथ आपको ये भी बता रहे हैं कि ये योग आसन किसी एक संत के लिए जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है आपके लिए भी। अगर देखा जाए वनस्पत के तो आपके लिए ये ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि एक व्यक्ति जो सुबह से लेकर शाम तक अपने परिवार के लिए जीविकोपार्जन के लिए भाग दौड़ करता है, प्रयास करता है, मेहनत करता है, उसके लिए उसके शरीर का साथ देना अति आवश्यक है। और यदि ये शरीर साथ देगा तो आप हर काम को अच्छे तरीके से ठीक ढंग से कर पाएंगे और इसके लिए योग से मन मस्तिष्क का संतुलन बनाना कितना सहज हो जाता है, कितना सरल हो जाता है, इसके कितने ही उदाहरण अब तक हमने आपको दिखाए और आगे भी आज के इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे।